सो भाई, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस ट्रिप के फिफ्थ डे में, जो कि लास्ट डे है हमारे कश्मीर की ट्रिप का। तो अगर हम इसे समराइज़ करना चाहें तो ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुकून भरी और बहुत ही ठंडी ट्रिप गई है हमारी। एंड वी आर रियली इन्जॉइंग इट टिल नाउ। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, और बहुत मज़ा आ रहा है, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि लिटरली मज़ा आ रहा है। एंड एवरीथिंग हेयर इज़ रियल। जो भी हम बोल रहे हैं वो रियल है, नेचुरल। नेचुरल है। और आज का हमारा प्लान कुछ और था। आज हमारी फ़्लाइट एक्चुअली डिले हो गई है। हम लोगों को 5:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, बट वो फ़्लाइट डिले होकर 7:30 बजे की हो गई है। तो इस वजह से आज का प्लान हमारा था नहीं सब करने का। लेकिन आज जहाँ हम आए हैं, इस जगह का नाम है दूधपत्री। मतलब एग्जैक्टली हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी कहीं मिडवे में हैं, गांव का एरिया है और बिल्कुल लैंडस्केप व्यू है। तो मतलब वी आर जस्ट लविंग इट। और एक गांव वाले एरिया से निकल के हम लोग आए हैं। पतली पतली सड़कें थी, पूरा हमने मतलब जो होता है कश्मीर का विलेज देखा है, हमने विलेज का एरिया देखा है और इनसाइड ऑफ द कश्मीर देखा है, हमने इनसाइड ऑफ द श्रीनगर देखा है। हमने बहुत सारी ठंड देखी है, बहुत ज़्यादा सारी ठंड देखी है। मैं धूप में जा रही हूँ। लेकिन आज का डिसीजन बहुत अच्छा था। हम लोगों को सोनमर्ग जाना था वैसे, बट हम सोनमर्ग नहीं गए बिकॉज सोनमर्ग वॉज टू फार अवे। और सब लोगों ने हमें यही एडवाइस दी कि अगर आप गुलमर्ग हो आए हो तो फिर सोनमर्ग जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम है, सेम बर्फ़ है, सेम स्नो है और सेम आपको सीनिक ब्यूटी मिलेगी। तो इससे बढ़िया गो समवेयर एल्स, डू समथिंग एल्स। तो फिर हमने दिमाग लगाया, गूगल पे पढ़ा, लोगों से पूछा और हम निकल आए हैं दूधपत्री की तरफ। सो आई गेस अभी जब और आगे चलेंगे, जब प्रॉपर डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो व्यूज़ कुछ और ही होंगे, सीन्स कुछ और ही होंगे। हालत देखो इस लड़की की क्या हो रही है। इतनी तेज़ धूप है लेकिन उसके बाद भी तेज़ धूप है ये। और ठंड हवा चल रही है, उसका क्या है, तेज़ धूप है। ठंड कैमरे में दिखती नहीं है ना, सिर्फ धूप दिखती है कैमरे में। जम गया पानी, ये देखो जम गया। सीरियसली यार, जमा हुआ पानी है तो। यार मुझे देख देख के और ठंड लगी जा रही है। लेकिन भाई जन्नत है ये, क्योंकि आज जहाँ हम आए हैं ना वो लिटरली जन्नत है। मतलब ऐसा नज़ारा तो मैंने अभी 4 दिन में देखा था ना, पहलगाम में देखा, ना श्रीनगर में देखा, ना गुलमर्ग में देखा। अलग तरह का ही ऑटम था वो एकदम ही। यहाँ जो नज़ारा है, हम लोग बिल्कुल एक गांव के रास्ते से होते हुए आए हैं यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा एकदम अलग है। फाइनली वी आर हेयर इन दूधपत्री। ये इतनी सुंदर सी वैली में हम लोग आ गए हैं। और द बेस्ट पार्ट की ये बहुत ही शांत और खाली है, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ एक दो कार्स आ रखी हैं। एंड दिस लुक एकदम खाली। यहाँ पे बेसिकली जो लोग आते हैं ना, हमने अपने कैब ड्राइवर से पूछा, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आते हैं समर्स में। सो आई गेस समर्स में धूप बहुत ज़्यादा लगती होगी, तो आई गेस इतना मज़ा नहीं आता होगा। एंड दिस इज जस्ट स्विट्जरलैंड, दिस इज ब्यूटी मैन। अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा, टर्न करो यार एक बार। सो हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन चुनी इस ठंड में आने के लिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन धूप है तो इसलिए काम चल रहा है। प्लस व्यू बहुत अच्छा है, जिधर नज़र घुमाओ उधर का व्यू अच्छा है, एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया। वो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिख रहे हैं वहाँ पे ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई यहाँ पे बहुत सुकून है, यहाँ पे बहुत शांति है। नहीं आई ना आवाज़, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी
और किसी की आवाज़ नहीं आएगी। कब्बे की आएगी, आओ आओ। ऐसी जगहों पे आके दिल खुश हो जाता है। अगर आप लोग अब तक कश्मीर नहीं आए हैं तो यू हैव टू कम हेयर, यू हैव टू लिव दिस। कश्मीर को जन्नत इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब बंदा आ जाता है ना तो उसका वापस जाने का मन ही नहीं करता है। शाम को हमारी फ़्लाइट है, हम जानते हैं हम कैसे चीज़ों को बांट बांट के, टाइम को बांट के अपना टाइम सेट कर रहे हैं ताकि हम जो भी चीज़ रह गई है वो एक्सपीरियंस कर सकें। लो जी फिर से आ गए हैं घोड़े पे हम लोग, क्योंकि घोड़े से घूमना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है ना एज़ कम्पेयर टू ऑन फुट, बिकॉज वैसे भी हायर ऑल्टीट्यूड है, ऊपर से सांस बहुत जल्दी चढ़ती है। ऐसे पॉइंट्स पे जा पाना जहाँ पे हम खुद अकेले नहीं जा सकते। हाँ, अब जो हम जहाँ पे अभी जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू अ रिवर, वो वहीं जाके बताएंगे कि कौन सी रिवर है। होपफुली अच्छा व्यू है वहाँ से, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। सो अगर हम लोग ऑन फुट जाएंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड वी डू नॉट हैव मच टाइम बिकॉज शाम की हमारी फ़्लाइट है, जैसे कि मैंने भी बताया था। ये लो भैया, इस लड़की को फ़ोटो खिंचवानी थी, स्पेशली इसने घोड़ा ऐसे लगवाया है। देखो लंबे में खींचो, लंबे में देखो, इसको सब कुछ चाहिए इसे, बिल्कुल टाइम की कमी है, फ़्लाइट पकड़ दी है, लेकिन इसको सब कुछ चाहिए। तो जी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं जो मड हाउस, इसे शाही पिंड बोलते हैं, और यहाँ पे यहाँ के जो कश्मीर के जो लोकल गुर्जर होते हैं वो आके यहाँ पे रुकते हैं गर्मियों के टाइम पे, और अपने जो है गाय, हाँ अच्छा अप्रैल टू सितंबर, और गाय भैंस वगैरह जो हैं अपनी वो यहाँ पे पालते हैं और यहाँ पे रहते हैं। जब ठंड हो जाती है तो वो नीचे मेन सिटी में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके रहते हैं। तो इसका नाम है शाही पिंड। जितनी बार एक पहाड़ क्रॉस करके दूसरे पहाड़ में आते हैं और एक वैली क्रॉस करके दूसरी वैली में आते हैं, एकदम चेंज हो जाता है सीन। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ सेम था तो यहाँ भी सेम लग रहा है, लेकिन हर जगह का सीन एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, एकदम सुंदर है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है, जो कि गिरी थी इस महीने की स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ नहीं थे। सो इससे भी व्यू अच्छा हो रहा है। और अभी फ़िलहाल दो तीन चार दिन बाद, मतलब इस वीकेंड पे 4th of December को स्नोफॉल होगा यहाँ पे, बट हम लोग यहाँ पे होंगे नहीं तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस इट, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये लो जी जमा हुआ पानी आ गया, और हमारा ये एकदम बढ़िया वाला हॉर्स जमे हुए पानी में से निकल रहा है, आवाज़ आ रही होगी। गजब यार, वेल डन बॉय, वेल डन। देखो अभी मैं दीक्षा को आवाज दिखाऊंगा और वो पीछे मुड़ेगी। देखा कहा था ना मैंने।
ये देखो लड़की गिर गई, आते ही गिर गई। और पीछे कमाल देखो, क्या कमाल दिखा है पीछे इसकी जीन्स पे। भाई कहाँ जा रहे हैं हम ट्रैक करके, देखना जरा कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम लोग आ गए हैं दूध गंगा रिवर में, जिसका पानी बिल्कुल दूध जैसा है। और पानी अभी काफ़ी कम है, क्योंकि जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ना, जब समर्स में इस रिवर का फ्लो पूरा होता है, पानी का लेवल ज़्यादा होता है, तो जहाँ हम खड़े हैं हमसे भी ऊपर होता है पानी, इतना ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे आने के तो हम सोच ही नहीं सकते समर्स में। और पानी अभी जम गया है सारा बेसिकली पीछे से ही, इसीलिए यहाँ पे पानी नीचे नहीं आ पा रहा। और यहाँ पे भी इवन दिखाओ ये देखो जी, जहाँ पे केव में पानी जमा हुआ होता है ना, ऐसे जमा हुआ है यहाँ पे पानी एकदम। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ही ज़्यादा ठंडा पानी है और कितना ही ज़्यादा पानी का फ्लो होता है यहाँ पे। बट अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिवर के अंदर आ गए हैं, जो समर्स में आने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी। और आवाज़ यहाँ पे सिर्फ शुद्ध ताज़े और ठंडे पानी की है। ये देखो क्या कर रही है लड़की, ये यहाँ जैसे मैं ऋषिकेश में किया था वैसे यहाँ कर रही है। तो थोड़े कलरफुल तो उठाओ, ये कलरफुल है तो मैं दिख नहीं रही। एक काम करो, वो उठा लो, वो बड़े वाला जो है ना, वो वाला उठा लो, वो ले चलो। मैं रख जाऊं? लो, बहुत अच्छे हैं ये। ये देखो यहाँ भी है कलरफुल कुछ। कौन से? इतनी आसानी से बैठ गए? अरे क्योंकि अभी हम, क्या फायदा हुआ, पत्थर पे चढ़ के बैठे ना इसलिए। हाँ अरे असली मजा तो तब आता जब कुछ गंदा दिखता। हॉर्स राइडिंग करके और सारे व्यूज़ देख के अब लगी है बड़ी ज़ोरों की भूख। तो हम यहाँ पे पियेंगे कश्मीर का फेमस कावा, जो कि अब तक हमने 5 दिन में नहीं पिया था, लेकिन अब पियेंगे। और हम खाएंगे ये फेमस मक्के का पराठा। सो फाइनली वी आर डन विद द दूध पत्री ट्रैक एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू गुड प्लेसेस इन दूध पत्री। एंड फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, बिकॉज इट्स आर 5th day इन श्रीनगर एंड वी हैव अ फ्लाइट टू कैच एट 7:30 PM इन द इवनिंग। वो हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, इस वजह से हम लोग को ये मौका मिला यहाँ पे दूध पत्री एक्सप्लोर करने का। या एग्जैक्टली और अगर आप लोग श्रीनगर का प्लान कर रहे हैं, श्रीनगर आने का प्लान कर रहे हैं, तो नेवर मिस दिस प्लेस। मे बी समर्स, मे बी विंटर्स, मे बी स्नो, बट नेवर मिस दिस प्लेस, बिकॉज आपको यहाँ पे सोनमार्ग, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, इन सबसे बहुत अलग वाइब मिलेगी। स्पेशली अगर आप विंटर में इस टाइम पे आ रहे हैं ना, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में, तो आपको दूध पत्री में टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। टूरिस्ट नहीं मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही घूम रहे हो, ये वादियाँ सिर्फ आपके लिए हैं और यहाँ पे और कोई नहीं है।
बिल्कुल हमें ऐसे ही फील हो रहा था, और ऐसे ही एक वादी हमारे पीछे भी है। सो आई थॉट कि इतने एक बढ़िया से सुंदर से व्यू के साथ इस व्लॉग को एंड किया जाए, इस सीरीज़ को एंड किया जाए, और आई होप हम लोग ऐसे ट्रैवल करते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें, और बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लाइफ में लें इस ट्रैवलिंग को लेके, और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है हम ऐसे घूमते हैं। मतलब मैं सब चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता जो हम बातें करते हैं, मतलब कर पाऊंगा ही नहीं ना, इतना बड़ा व्लॉग थोड़ी बनेगा, मतलब क्या दो दो तीन घंटे की मूवी थोड़ी बनानी है हमें। वरना तो मैं लिटरली मन ऐसा करता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ ट्रिप पे, जहाँ जा रहा हूँ कैमरा चलता रहे सारा टाइम, मेरे साथ कोई बंदा हो सारा टाइम कैमरा ऑन रहे, और बस मैं बोलता रहूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ उसको बस रिकॉर्ड होता रहे वो चीज़। बट दिस कैन नॉट हैपन, बट हाँ दीक्षा भी बहुत कुछ सीख गई है मेरे साथ रह के, और बहुत मदद करती है वीडियो शूट करने में, फोटोज क्लिक करने में। तो फोटोज आपको मेरी और दीक्षा की मिल जाएंगी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका नाम आ जाएगा अभी स्क्रीन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे विद अ नाइस ट्रैवल व्लॉग, और यहीं पर एंड होता है हमारे श्रीनगर ट्रैवल सीरीज़ का। आई होप आप लोगों को ये सारे ट्रैवल व्लॉग्स जो मैंने, शायद टोटल 5 व्लॉग्स विल बी देयर मोस्ट प्रोबेबली, आई होप आपको ये 5 व्लॉग्स पसंद आए, और पसंद नहीं भी आए बट आई डोंट थिंक सो कि पसंद नहीं आएंगे, बिकॉज कश्मीर कैसे पसंद नहीं आ सकता। सीरियसली आप जो अपने टीवी की बिग स्क्रीन्स पे देखेंगे, हम तो मतलब अभी शूट करते तो बहुत छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, हम अभी यही बात कर रहे हैं, अगर जब ये बिग स्क्रीन पे चलेगा पूरा ब्लॉग बन के एडिट होके विद द म्यूजिक एंड ऑल द फील एंड ऑल द फिल्टर्स, देन इट्स गोना बी लाइक समथिंग डिफरेंट। तो बस इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी अच्छे ट्रैवल ब्लॉग में। सो टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल, एंड ट्रैवल हार्ड, ट्रैवल सेफ, ट्रैवल इन इंडिया, ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हमारा भी कुछ ऐसी प्लान है, हम आगे और अच्छी अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जाएंगे इन इंडिया, सोच रहे हैं इंडिया ऑल्सो, इंडिया के बाहर भी। सो आई होप ऐसे ब्लॉग्स बनते रहेंगे और आपको हम एंटरटेन करते रहेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।